गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसबी सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसबी एकेडमी पर, जहां पर मैं लेके आया था आप सबके लिए यूपी बोर्ड टॉप 10 सीरीज, जिसमें एग्जाम 2022 के लिए जो भी आगामी एग्जाम है आपके बोर्ड एग्जाम, उसमें क्लास 10th और 12th के लिए हर चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आया था। तो ये क्लास 10 के लिए है, कक्षा 10 के लिए ये क्लास बनी है, जिसमें कि पहले चैप्टर को हम लोग कवर कर चुके हैं जिसका नाम था रियल नंबर्स। अब ये आपके पास जो दूसरा चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिनके 10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, फिर इसका सलूशन भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले ये जो 10 क्वेश्चन है वो किस प्रकार है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2 और ax + ay = 4 के अनंतता अनेक हल प्राप्त हों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx + y = k² तथा x + ky = 1 के अनंतता अनेक हल होंगे, उस समय में k का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत है, सिद्ध करना है आपको। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 और जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको, जो संख्याएं हैं उन्हें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या है अनेक हल है आपको ये दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, दो अंकों को मिला करके अगर उन्हें जोड़ा जाता है तो जो अंक कितना आ रहा है वो 9 आ रहा है, यदि संख्या मूल से जो मूल संख्या है से उससे कितना 45 अधिक होगी, अगर 45 अधिक होगी तो संख्या आपको ज्ञात करनी। ये क्वेश्चन नंबर 6 तक की हो गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 तक की अभी आगे देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 तक की आप सभी लोगों ने नोट कर लिया था, अब हम लोग आते हैं 7 से 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया 7 दिया गया है कि एक भिन्न है जो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। क्या हो जाती है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। जैसे दिया गया 15/x - y + 22/x + y = 5 और 40/x - y + 55/x + y = 13, ये दो समीकरण दिए गए हैं, इन समीकरणों को योग सॉल्व करना है और उसके बाद x और y की वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, का योग कितना है 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये टोटल 10 क्वेश्चन हैं जो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में मिले हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चनों को हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, सभी लोग सॉल्व करेंगे साथ में बैठ करके। और पहले आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो कि जितने भी 10 क्वेश्चन हैं ये 10 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, इन 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं होते तो आप लोग सिंपल से बैठ के मेरी वीडियो चैनल पर पढ़े होगी सॉल्यूशंस प्लेलिस्ट पर, उसमें आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे करके। ये चैप्टर 2 था क्लास 10th के लिए जो टॉप 10 सीरीज चल रही है उसके लिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग सब लोग बैठ करके सॉल्यूशन करेंगे इस चीज का। और सभी लोग एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा,
जितना भी कुछ है, जितने भी सारे क्वेश्चन थे उन्हें एक जगह कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, जब सॉल्व करेंगे तो कंटिन्यू सॉल्व करते चले जाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सॉल्यूशन की वीडियो को मिस ना करें कंटिन्यू। और हो सकता है जितने लोगों को, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन लोगों का भी आराम से 10th कोर्स जो है कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ टॉप 10 क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे हर चैप्टर के अकॉर्डिंग। अभी मैथ की सीरीज चल रही है, अगर टाइम मिला तो मैं साइंस की सीरीज भी लाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।